नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 भौतिक विज्ञान का पार्ट एक भौतिक जगत है ना, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये क्लास 11 का पहला पार्ट है। इस पार्ट में देखिए, जैसे भौतिक जगत है, इसमें केवल आपको क्लास 11 का या कहिए केवल फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया हुआ है, ठीक ना। तो कि भौतिक विज्ञान, जैसे पहले आप क्लास 10 में आप एज देखिए विज्ञान के अंदर एक सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक के अंतर्गत भौतिक विज्ञान पढ़ा था, ठीक ना। भौतिक विज्ञान था, रसायन विज्ञान था, जीव विज्ञान था। मगर जब आप क्लास 11 में आए तो ये एक आपको एक विषय के रूप में आया है, ठीक ना। तो विषय के रूप में प्रारंभ करने से पहले आपको पहले अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, ठीक ना। तो यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसी पार्ट में, भौतिक जगत में। बस ऐसा जगत, ठीक ना, इस वर्ल्ड में, मतलब ऐसा चीज़ें है भौतिक जगत के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, भौतिक जगत क्या है, तो देखिए भौतिक जगत है ये, जैसे पार्ट का नाम है। तो देखिए, भौतिक जगत क्या चीज़ होता है, ठीक ना। जगत मतलब वर्ल्ड और भौतिक मतलब फिजिक्स, है ना, फिजिक्स। तो एक ऐसा जगत जो फिजिक्स से संबंधित हो, ठीक ना, फिजिक्स से संबंधित हो या भौतिक से हो संबंधित हो, उसको ऐसे जगत को हम भौतिक जगत बोलेंगे, ठीक ना। और देखिए, इस जो जो आप फिजिक्स अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है भौतिक जगत, तो आप इसका इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा क्या चीज़ कहते हैं इसको, ठीक ना। ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका वोकेबलरी या शब्दावली इसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आपने इसको एज ए विषय लिया है ना, सब्जेक्ट ले लिया है, तो आपको अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। एक एक शब्दावली का क्या मतलब होता है उसको बारे में बिल्कुल अध्ययन करिए, ठीक ना। पहले क्या था कि केवल एक विषय में भौतिक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान था। तो चले, माना फिजिक्स में अगर किसी का कम है, रुचि कम है इसमें, तो उसने किसी तरह काम चला लिया, तो रसायन विज्ञान से या जीव विज्ञान से मार्क्स निकाल लिया, ठीक ना, तो क्वालिफाई हो गया। मगर इसमें जब आपने एक विषय के रूप में ले लिया फिजिक्स, तो आप क्या करिए, इसके हर चीज़ के बारे में अच्छे बढ़िया से अध्ययन करिए, ठीक ना। इस भौतिक जगत या भौतिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, क्या शोध हुआ है, और वैज्ञानिक किस देश से हैं, ठीक ना, ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, ठीक। क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, किस क्षेत्र में हैं, उनके उनसे संबंधित बड़ी बड़ी पर्सनालिटी या चीज व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, ठीक ना। तो देखिए, इस भौतिक जगत में, जैसा कि बताए, भौतिक जगत क्या होता है, ऐसा जगत जो फिजिक्स से संबंधित हो, ठीक ना। और अब देखिए, इसमें फिजिक्स हो गया, अब इसको देखिएगा भौतिकी, ये है भौतिकी, ठीक ना। तो ये भौतिकी होता क्या है, या फिजिक्स है ना, फिजिक्स विषय है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या सब्जेक्ट, क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, ये सब का इसी का बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो देखिए, भौतिकी क्या होता है, इसकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना परिभाषा दिया है। और देखिए, अगर इसका सिंपल बात करें तो परिभाषा है प्रकृति एवं प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन, इसी को भौतिकी बोलते हैं, ठीक ना। तो सरल सरल भाषा में आप समझते चलिए, सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें भौतिकी क्या हुआ, जैसे हमने बोला प्रकृति है ना, प्रकृति नेचर और प्रकृति की घटनाएं। तो देखिए, अब आप सोच रहे हो घटना क्या है, तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जैसे बरसात में बिजली कड़कती है, रोज सुबह और शाम हो रहा है, ठीक ना, ताप कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक ना। ठंडी है ना, बरसात, गर्मी,
सब अलग अलग ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप हो गया है ना, ज्वालामुखी हो गया, ये सब आप जो भी कुछ देखेंगे सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक ना। तो यही होता है, इसी भौतिकी में हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो इसको अगर देखें तो देखिए नेचर स्टडी ऑफ है ना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, ठीक ना, नेचुरल फेनोमेनन, ठीक ना, इसको घटना बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने समझ में लिया कि भौतिकी क्या है, सरल भाषा में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ठीक ना। देखिए जैसे देखिए इस विषय अगर आप अच्छे से पढ़ें तो बड़ी ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो देखिए जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन ही भौतिकी है। देखिए जैसे अगर देखिए न्यूटन, ठीक ना, ये एक वैज्ञानिक हैं, भौतिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं ये, है ना। तो आप कुछ ऐसे से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जैसे न्यूटन हो गए है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, ठीक ना, मैक्स फ्लैंक, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक के बारे में आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। और इनकी कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मतलब इन्होंने क्या आविष्कार किया या खोज किया, ठीक ना, कौन सा थ्योरी दिया इन्होंने, ठीक ना, ये सब आप अच्छे से याद रखिए इसको। देखिए जो न्यूटन है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, देखिए जैसे फल पेड़ से गिरा, ठीक ना, ये एक प्राकृतिक घटना है, फल से गिर रहा है, पेड़ से फल गिरा तो एक प्राकृतिक घटना है। और न्यूटन जी ने इनको देखा तो उन्होंने उनके आधार पर अध्ययन किया है ना, शोध किया, तो उन्होंने जाकर ग्रेविटेशनल का एक सिद्धांत दे दिया, ठीक ना। उस ग्रेविटेशनल सिद्धांत के आधार पर ही अब हम लोग रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक ना, लोग स्पेस में जाने लग गए हैं। तो इस प्रकार देखिए ये क्या चीज़ थी, प्राकृतिक घटना थी, जिसमें इन्होंने सोचा, विचारा, एक्सपेरिमेंट किया और एक नया एक ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट दिया, ठीक ना। इसी प्रकार जैसे अगर बात करें, देखिए एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना, इन्होंने ये भी है बहुत बड़े भौतिकी है ना, साइंटिस्ट हैं तो थे, ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे हैं या थे बोल देते हैं, देखिए ये वैज्ञानिक जरूर चले गए, मगर इनके जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, जो थ्योरी दिया है, उसके रूप में ये अभी भी जीवित हैं कह सकते हैं, ठीक ना। इसलिए बार बार होता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं या न्यूटन हैं, ठीक ना, इसलिए आप इसके अंदर के जो मेन कंसेप्ट है ना उसको आप समझिएगा, ठीक ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे इन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया, इतना बड़ा इसका इनका इतना बड़ा योगदान है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, फ्रैंकलिन, ठीक ना, तो ये कभी मतलब कह सकते हैं कि शरीर से चले गए हैं, मगर ये अपने सिद्धांत और थ्योरी के आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर जब तक धरती है तब तक ये रहेंगे, ठीक ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि न्यूटन है, ठीक ना, देखा जाए तो नहीं भी थे, नहीं है। तो इस प्रकार देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखिए बरसात में बिजली कड़कना, बिजली जो कड़कती है उसको सभी ने देखा, मगर इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, ठीक ना। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, विद्युत का आविष्कार किया इन्होंने, ठीक। और ये आज इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है कि अब इसके बगैर एक पल भी आदमी रह नहीं सकता, ठीक ना। अब देखिए न्यूटन जी ने ही प्रकाश के में 7 रंगों को देखा। देखिए न्यूटन एक ऐसे मतलब ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रकृति पर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत अनुसंधान किया इस पर, ठीक ना। तो इसलिए इनको साइंटिस्ट नेचर, इनको साइंटिस्ट ऑफ नेचर कहते हैं, इनको साइंटिस्ट ऑफ नेचर है ना, प्रकृति का वैज्ञानिक बोलते हैं इनको,
इन्होंने जितना आविष्कार जितना रिसर्च या शोध प्रकृति पे किया इतना इन्होंने और किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया। तो अगर कभी क्वेश्चन आए साइंटिस्ट ऑफ नेचर तो आप इसको न्यूटन याद रखिएगा। देखिए जैसे कि हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन तो देखिए हम क्लास में करते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम क्लास में कर सकते हैं, मगर जब भौतिक विज्ञान का जब फीलिंग करने की बात हो, अनुभव करने की बात हो, तो जैसे हम क्लास के बाहर निकलें तो हम इस भौतिक जगत को पूरा हम फील कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे ही बाहर निकले प्रकाश दिखाई दे रहा, एक अलग प्रकाश है, क्लास में भी प्रकाश है, फिर रात है, दिन होता है, ठीक ना, ताप में वृद्धि कमी, तो ये सब भौतिक घटनाएं हैं। बरसात होने लगी तो बिजली कड़केगी, आवाज़ आएगी, ठीक ना, तो ये हो गया ध्वनि, प्रकाश, ताप, ठीक ना, तो इस प्रकार का है। तो इस प्रकार सब जो भी भौतिक का ये होता है हम बाहर अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोई भी विषय कठिन कब लगता है या आसान कब लगता है, देखिए जब कभी किसी विद्यार्थी को किसी विषय में अगर अच्छे से अगर उसका इंटरेस्ट जग गया, ठीक ना, तो वो विषय उसको इजी लगने लगेगा, ठीक ना, आसान लगने लगता है। तो देखिए एक ही सब्जेक्ट है जैसे गणित है या भौतिक विज्ञान है, तो एक बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है और एक बच्चा को बहुत अच्छी समझ में आ रहा है, ठीक ना, बहुत अच्छा, उसका बहुत मन लग रहा है, वो एक घंटा दो घंटा उस पर बहुत अधिक पढ़ाई कर रहा है, तो उससे क्या हुआ कि वो कोई भी विषय कठिन या गलत ईजी तो हुआ नहीं, बस वो बच्चे का इंटरेस्ट लग गया, तो इंटरेस्ट लग गया तो मन ला के बहुत बढ़िया से पढ़ाई करने लगा, तो उसको वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगा, ठीक ना। तो यही होता है, देखिए क्लास 12 में इस पाठ में आपको भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल विस्तार रूप से थोड़ा सा बताया गया, हर टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक ना। तो इसमें है कि आप इस विषय को एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए, ठीक ना, कोई कठिन नहीं है। लोग शुरू में क्लास 10 के बाद क्लास 11 में आने के बाद लोग बोलते हैं कि क्लास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मैथ, ये सब बहुत कठिन सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। तो अगर ये कोई भी कठिन ज़्यादा नहीं, कुछ भी कठिन नहीं होता है, आप इसको मन लगा के पढ़िए, भौतिक विज्ञान बहुत ही रुचि देगा आपको, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक ना, तो कोई कठिन नहीं है, आप इससे डरिएगा नहीं। देखिए मैं इसको फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊँ कि इस विषय ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक ना, आराम से पढ़िए। मैं क्लास चैप्टर 1 से शुरू किया है, आप इसको हर वीडियो को देखते रहिए, ठीक ना। मैं आपको इजी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो देखिए अभी तक जो था न्यूटन, ठीक ना, जैसे रुचि की बात कर रहे हैं तो आप इसको रुचि लेकर ही पढ़िए। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक या फिजिक्स का विकास, ठीक ना, ये भौतिक विज्ञान का विकास कैसे हुआ। ये भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है प्राचीन भौतिकी और एक होता है आधुनिक भौतिकी, ठीक ना। तो इसको देखिए लिखते हैं, एक होता है, देखिए इसमें हुआ प्राचीन भौतिकी, प्राचीन भौतिकी, ठीक ना, इसी को बोलते हैं देखिए चिर सम्मत भौतिकी, ठीक ना, और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ये हो गया क्लासिकल फिजिक्स, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने किस किस चीज़ों का अध्ययन किया। देखिए पहले क्या था कि लोग जो वैज्ञानिक थे प्रकृति को ही देखकर प्रकृति से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उन्हीं की जो भी प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं उसी का ही अध्ययन करते हैं और उसी पर एक्सपेरिमेंट करके कोई ना कोई शोध करते रहते और कोई आविष्कार या अनुसंधान करते रहते थे, ठीक ना। जैसे अगर आप प्रकृति की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या था, प्रकाश, ठीक ना, इसको लाइट, तो इन्होंने लाइट पर बहुत रिसर्च किया। फिर प्रकाश के बाद ध्वनि आती है ना, तो ध्वनि हो गया, तो साउंड पर देखा इन्होंने, साउंड पर इतना एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद
एक देखिए होता है ताप, टेम्परेचर हुआ, ठीक ना। आप कहीं भी रहिए, इनमें से कुछ न कुछ आपको ये तीनों चीज़ का उपस्थिति नज़र आएगा, प्रकाश, ध्वनि, ताप का, ठीक ना। इसके बाद जब अब किया तो ये कुछ यांत्रिकी पर आ गए, यांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब जैसे बल, फोर्स, बल हो गया, फोर्स हो गया, चाल हो गया, स्पीड हो गया, त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में आविष्कार होते जा रहे थे और अनुसंधान हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं। तो इसमें देखिए ये था भौतिकी, प्राचीन भौतिकी में आ गया। अब देखिए इसमें होता है एक आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इसी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक ना। तो देखिए इसमें सन 1905 के पहले को चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं और इसके बाद को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्या किया था, क्या आविष्कार हो रहे थे, क्या कंसेप्ट दिए जा रहे थे, किस क्षेत्र पर दिए जा रहे थे, तो विद्युत पर दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी पर दिया गया। फिर इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसके बाद प्लाज्मा, फिर क्वांटम फिजिक्स आ गया, है ना, क्वांटम फिजिक्स आ गया, तो इस प्रकार गया। तो देखिए अब 1905 से क्यों विभाजित किया गया, ठीक ना। तो इसको देखिए अब 1905 से ही क्यों विभाजित किया गया, तो उसके पहले उसकी भी थोड़ा सा एक कहानी है, उसको देख लेते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक ना, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक ना। तो ये क्या किए थे, ये 24-25 साल में, देखिए जर्मनी में उस वक्त हिटलर का बहुत शासन था और हिटलर सबको मालूम है थोड़ा सा बहुत ही क्रूर शासक थे। तो ये क्या थे, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से भागकर ये अमेरिका में आ गए, ठीक ना, अमेरिका में आए, 24-25 साल की उम्र थी ये। तो वे यहाँ रह के 2-3-4 साल तक थ्योरी पर काम करते रहे अपने, जो भी इनके दिमाग में था, ठीक ना। तो 3-4 साल बाद इन्होंने 3 कंसेप्ट दिया। देखिए जैसे पहला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक ना, इसी को बोलते हैं सापेक्षता का नियम, सापेक्षता का सिद्धांत बोलिए, ठीक ना, सापेक्षता का सिद्धांत। और दूसरा दिया E=mc², ठीक ना। और तीसरा दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक ना, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, ठीक ना। तो इसको इन्होंने पब्लिश कराया, तीनों कंसेप्ट पे पब्लिश कराया, तो इन पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो ये क्या बोले कि अपने फ्रेंड्स था मिले, बात किए कि मैंने थ्योरी दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये जब इनसे पूछे कि किस भाषा में थी, तो ये बोले जर्मन में थी, ठीक ना, जर्मन भाषा में थी, और अमेरिका में जर्मन नहीं जानते थे लोग, ठीक ना। तो देखिए भाषा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इतना बड़ा कंसेप्ट दिया मगर भाषा अलग होने के कारण कोई इन्होंने समझ में ही नहीं आया लोगों को, है ना, भाषा का प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए इन्हों समझ में नहीं आया, तो कुछ लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो इनके फ्रेंड ने क्या किया, इसी को इंग्लिश में, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश,
इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर फिर पब्लिश कराया। तो एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लैंक, ठीक ना, मैक्स प्लैंक थे। जब इन्होंने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, जो इनके इनके बारे में जो कंसेप्ट पढ़ा, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, ठीक ना। तो आश्चर्यचकित इसलिए हुए थे, तो देखिए इनकी भी एक कहानी है कि आज मैक्स प्लैंक थे। तो ये क्या, जब भौतिक विज्ञान से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ये अपने टीचर से बोले कि सर मैं ग्रेजुएट हो गया फिजिक्स से, अब मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स में ही कुछ शोध करूँ, अनुसंधान करूँ। तो बोले क्या कोई इसमें भविष्य है क्या, ठीक ना। तो उस वक्त तक देखिए इन पर है ना ये खोज हुए थे, है ना, इस पर कुछ कंसेप्ट या अवधारणा या दिया गया था, ठीक ना, कुछ सिद्धांत डेवलप हुए थे, ठीक ना, सिद्धांत कहिए सीधा, कंसेप्ट या सिद्धांत कहिए, ये सब पर दिए हुए थे। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि अब फिजिक्स पर कोई साइड कुछ नहीं बचा है, सबका रिसर्च हो चुका है, ठीक ना, सब पर कंसेप्ट बन गया है, अब फिजिक्स में कोई मतलब उम्मीद नहीं है आगे का। तो जब इन्होंने इस प्रभाव को देखा, पढ़ा इसके बारे में, तो मैक्स प्लैंक जी ने कहा, तभी इन्होंने कहा था, अच्छा लाइन है इनके बारे में, कहा था इन्होंने कि अभी तो फिजिक्स की शुरुआत हुई है, ठीक ना, अभी तो फिजिक्स में बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो इसीलिए देखिए इसी प्रभाव के कारण ही, इसी के जो कंसेप्ट दिया इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो इसी के आधार पर, इसी थ्योरी पर इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक ना। तो इसी के देखिए सन 1905 के बाद इसी सिद्धांत के आधार पर अब देखिए जो फिजिक्स आया उसी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया गया, ठीक ना। तो इसलिए 1905 के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होने लगी, अच्छा अच्छा कंसेप्ट आने लगा, सिद्धांत बनने लगे। तो इस पर देखिए विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, प्लाज्मा, क्वांटम फिजिक्स जैसा का भी विकास होता चला गया, ठीक ना। तो देखिए इसमें यही सिर्फ था फिजिक्स का विकास। देखिए जैसे इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला, तो इसलिए इनको ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ, देखिए इसको याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक ना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। साइंटिस्ट ऑफ नेचर न्यूटन को बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को बोला जाता है। देखिए इसमें एक टॉपिक है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना, एक जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये शब्द आता है साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, ठीक ना, अंतर बहुत है, समझना चाहिए। देखिए विज्ञान क्या होता है, इसमें हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक ना, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, है ना, कोई कंसेप्ट देता है, ठीक ना, कंसेप्ट दिया, है ना, सिद्धांत दिया, है ना, या अवधारणा दिया, कंसेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, है ना, जो भी ये आया या कोई सिद्धांत बना या कंसेप्ट आया, तो इसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक ना। विज्ञान के अंतर्गत कंसेप्ट हमको प्राप्त होता है। जब इसे जब एक इस कंसेप्ट का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक ना, ठीक ना, ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ग्रेविटेशनल दिया, ग्रेविटेशनल का अगर सिद्धांत आया, तो रॉकेट लॉन्च होना शुरू हो गया, ठीक ना, रॉकेट लॉन्चिंग शुरू हो गया, ठीक ना, लोग स्पेस में जाना शुरू कर दिए। तो इस ग्रेविटेशनल कंसेप्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक ना, तो ये हमको ये टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक ना। अब देखिए इसको बनाता कौन है, इसको देता कौन है, ये साइंटिस्ट देते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, तो इसको इंजीनियर बोल करते हैं, ठीक ना, है ना, अलग अलग इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर अलग,
ठीक ना, अलग अलग इंजीनियर होते हैं, तो जिस फील्ड में ये कंसेप्ट दिया जाता है उस फील्ड के इंजीनियर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका, ठीक ना। देखिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक दिया माइकल फैराडे, ठीक ना, क्या किया इन्होंने, चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति का एक कंसेप्ट दिया, तो देखिए कितने पावर प्लांट बन गए इस पर, है ना, विद्युत संयंत्र सारे बहुत सारे बन गए। तो इस प्रकार देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में ये फर्क होता है, ठीक ना। और बात करें तो लिख सकते हैं, देखिए साइंस इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक ना, टेक्नोलॉजी सही बात है, टेक्नोलॉजी तभी पैदा होगा जब साइंस होगा, तो ठीक ना, तो इसलिए साइंस इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस प्रकार हमने भौतिक जगत को कवर करने का कोशिश किया है। देखिए पहले पार्ट में बस यही चीज़ था, आपको भौतिक जगत से रूबरू कराना था, ठीक ना। मेन आपका पाठ दूसरे पाठ से शुरू होता है। तो देखिए आज एक क्लास हमने यही ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का विज्ञान के या अन्य क्षेत्रों में क्या योगदान है, ठीक ना। तो ठीक है।